SBS News, सच का साथी। राजधानी लखनऊ में बॉलीवुड जगत के रहस्य कलाकार राजपाल यादव ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि राजधानी लखनऊ में 2 दिसंबर को सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम उत्तर प्रदेश की लोकल टीम के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन ईकाना स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम के कप्तान मुंबई हीरोज के कप्तान सुनील शेट्टी करेंगे। मौका मिल जाए तो कि आज लखनऊ में ट्रेनिंग नहीं हुई होती तो दिल्ली नहीं पहुँचता, दिल्ली में ट्रेनिंग नहीं होती तो मुंबई नहीं पहुँचता, और मुंबई में अच्छा काम नहीं मिला होता दुनिया में नहीं पहुंचता। तो लखनऊ हमारे खून में है और लखनऊ में वही कि मनोरंजन और खेल दोनों खूब प्रमोट हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ऊर्जा है खेल और मनोरंजन की, और इसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। कोई राजनीति से नहीं, आज इसका राजनीति देखिए, किसी भी जो आदमी जब शताब्दी वर्ष चल रहा हो जिसमें बहुगुणा जी का, और अगर जिस आदमी ने, अब हम लोग तो बच्चे थे, हमने तो उनके कार्यकाल को ढंग से देखा नहीं, लेकिन आज अगर हमारे कोई भी हमारे आपके पितरों के नाम पे अगर हम उनके कुछ कर्मों को लेके और खेल के माध्यम से उनको याद भी करते हैं तो सोने सुहागा वाली उनका आशीर्वाद मिलेगा। और खेल पूरे लखनऊ के लिए हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है, और सब कुछ इसमें कोई ऐसा नहीं है कमरे, कोई पार्टी बेस नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ इमोशन है। और इसमें अब जो कि बीजेपी की यहाँ पे सरकार है तो उनके फोटो देख के आपको लगता है कि, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे ऐसा बिल्कुल संभव वाला मामला है कि हर घर आमंत्रित है और आइए खेल और मनोरंजन का मजा लिए। अखिलेश यादव ने एकाना स्टेडियम बनाया था जिसमें अंतरराष्ट्रीय मैच के नवंबर में, क्या कहना चाहेंगे स्टेडियम? बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैंने पहले भी कि इस एकाना स्टेडियम को बनवाने के लिए एक ईंट लगाने वाले से लेके इसको पास करने वाले से लेके इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले से लेके इसमें पैसा बार लगाने, हमको नहीं मालूम कितने लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो लोग भी इन्वॉल्व हैं मैं सबको तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। जिस तरीके से टीम को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, कुंभ को भी प्रमोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मौका मिलेगा तो। कुंभ हमारे हजारों साल की परंपरा है, और आपको मैं एक चीज बताना चाहूँगा, कुंभ को प्रमोट नहीं करना चाहता, कुंभ को जीना चाहता हूँ। पिछले 2002 से अगर आप लोग मीडियम हैं तो सबको पता है कि 2002 से हर साल 8 दिन जो है परम पूजनीय शास्त्री जी श्री दत्ता जी के सानिध्य में सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्रिया की, अपने देश के कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए हमेशा हम लोग जाके और प्रयागराज की धरती पर रेता पर नंगे पैर घूम के हमेशा वो धर्म, जहाँ बोलते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती, बहुत लंबा टॉपिक है कि गंगा जी दिखती हैं जमुना जी दिखते हैं, लेकिन जहाँ पे करोड़ों लोग एक लाउड स्पीकर से लेके मुँह से जहाँ पे श्लोक हो, जहाँ पे पूरे ब्रह्मांड को करोड़ों लोग जो है अपनी आवाज़ भाई सरस्वती बसती, तो गंगा जमुना सरस्वती का मजा लेने के लिए हर साल चाहे कुंभ मेला हो और चाहे माघ मेला हो और चाहे अर्धकुंभ हो, राज्यपाल यादव को सौभाग्य मिल जाता है। मैं कुंभ के माध्यम से आज ही कि इस बार का कुंभ दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कुंभ हो, महाकुंभ हो, और सभी जनता जनार्दन से ये प्रार्थना है कि आप कुंभ का मेला एंजॉय करने जाएं, लेकिन आप अपने अनुशासन में, अपने धैर्य से, अपने सिस्टम से, क्योंकि करोड़ों लोग होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ होती है, कुछ जगह कम होती है, तो सब लोग एक दूसरे को मैनेज करते हुए और बस कुंभ का मज़ा लीजिए, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए जो है सबके साथ अच्छा हो, सबके साथ खुशी मिले, ऐसी प्रार्थना। सेलिब्रिटी वर्सेस ऑल, मतलब जिसमें आप भी आ सकते हैं, मजाक नहीं कर सब लोग, जिसमें जो क्रिकेट खेलना जानता है, जो नहीं जानते, जैसे मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता हूँ तो मैं बैठूंगा देखूंगा, और जो क्रिकेट खेलना जानते हैं वो मैदान में खेले। चयन प्रक्रिया कोई 10 तारीख तक पूरी, उसकी पूरी डिटेल आज बताना जो है वो थोड़ा सा जल्दबाजी है, लेकिन 1-7 दिन का समय दीजिए, उसके बाद हमारे पास 10 नवंबर से लेकर 2 मतलब 3-3.5 सप्ताह है, उनमें आपको पूरा क्रिकेट का बुखार दिखेगा। आपको राजपाल जी एक बात और पूछना चाहेंगे कि मैच जो हो रहा है इसमें जो विन होता है
तो उसके लिए कोई प्राइज मनी रखी गई कि आसिफ एक एंटरटेनमेंट के लिए होगा, उसके लिए भी ताली बजेगी, मतलब किसी तरह हारेगा उसके लिए ज्यादा ताली बजेगी, क्योंकि हार के बाद जीत का ताली ही बजेगी, मतलब किसी तरह का प्राइज मनी या कुछ ऐसा नहीं। देखिए प्राइज तो अगर आपसे हाथ मिला के आपको एक बुके भी दिया तो वो भी करोड़ों अरबों से ज्यादा बड़ा होता है। खाना बनाना अलग है, खाना खिलाना अगर आता हो तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो शाम अच्छा आपको सम्मान मिले और अच्छी एक दूसरे को ऊर्जा मिले। और कभी कभार देखो हमेशा मनोरंजन नहीं हो सकता, हमेशा खेल नहीं हो सकता, और हम हमेशा हंसा नहीं जा सकता और हमेशा रोया नहीं जा सकता। तो रोज अपन 24 घंटे में 36 घंटे प्रॉब्लम से जूझ ही रहे हैं, तो एक 3 घंटे का एक ऐसा चंक निकाल के अपने ब्लड सर्कुलेशन को इतना अच्छा कर लें कि कल से नया जीवन, फिर कल से जो बिगनिंग है उसको अच्छे से और जी सकें। बस यही मकसद है।